Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard EVS 2 in history lesson number 5, that is evolution of mankind. Students, इसके पहले का 1, 2, 3, 4 सारे chapter मैंने already upload किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना अच्छे से. explanation वाला भी मैंने सारा upload किया हुआ है, अलग से playlist में आप देख सकते हो. so start करते हैं. यहाँ पे सारे answer आपके digest का ही है. okay, so पहला question क्या है, filling the blanks. homo is a latin word which means क्या है, मैन, विच मीन्स मैन. सेकेंड वन इज डैश इज अ, तो यहाँ पे डैश की जगह पे क्या आएगा, हैबिलिस. थर्ड, द नियंडरथल्स प्राइमरली लिव्ड इन, कहाँ पे रहते थे, केव्स में. फोर्थ वन इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द स्किल्ड मैन वॉज फाउंड इन द बॉर्डर रीजन बिटवीन तंजानिया एंड केनिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, अफ्रीका. सो एज यू कैन सी हियर दिस इज क्वेश्चंस एंड दीज आर आंसर. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसका आंसर यहाँ पे दिया गया, सारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आंसर आपको सारे साथ में दिख रहे हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो, इसे वीडियो पॉज करके आप अच्छे से लिख सकते हो. ओके, जब मैं यहाँ पे लेक्चर लेती हूँ तो आप वीडियो बनाते टाइम आप वीडियो पॉज करके आप वर्कबुक अपना कंप्लीट कर सकते हो. ओके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम तक मैं इसको पॉज करके रखती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे और आप लिख सको. सेकेंड क्वेश्चन भी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स ही है, आप देख सकते हो क्वेश्चन इसका. डैश वॉज अ स्केवेंजर एज ही एट द लेफ्ट ओवर्स ऑफ एनिमल्स दैट हैड बीन हॉन्टेड टू अदर एनिमल्स. हंटेड भी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है. ओके, यही क्वेश्चन और यहाँ पे आंसर है, दैट हैड बीन हंटेड बाय. सेकेंड है यहाँ पे, डैश मीन्स द वन हु स्टैंड इरेक्ट, क्या आएगा यहाँ पे, इरेक्टस. थर्ड, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डैश द अर्थ वॉज कवर्ड विद आइस शेप्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, होमो इरेक्टस. फोर्थ का आंसर देख सकते हैं, फिफ्थ का आंसर यहाँ पे है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम. थर्ड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी क्या है, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स ही है और आंसर भी देख सकते हैं. डैश इज कॉमनली नोन एज द नियंडरथल मैन, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे होमो नियंडरथलसिस. सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं क्या आया है, प्लेस इन जर्मनी. ओके, नियंडरथल इज अ प्लेस इन जर्मनी, नियंडरथल कहाँ पे है, ये प्लेस जर्मनी में. द नियंडरथल्स हैड डेवलप्ड सम, क्या आएगा यहाँ पे, आर्टिस्टिक स्किल. फोर्थ वन इज द डैश, यहाँ पे क्या आएगा, नियंडरथल्स. द नियंडरथल्स हैड एस्टेब्लिश्ड सम रिचुअल्स ऑफ बर्निंग द डेड. फिफ्थ का यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, होमो सेपियंस आएगा, पूरा आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप. क्वेश्चन नंबर टू, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे डैश मीन्स इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल मैन, किसका मतलब, सो होमो सेपियंस, इसका मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल मैन, ये देखिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. सेकेंड वन इज द नियंडरथल्स एंड होमो सेपियंस, इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, क्या आएगा आंसर यहाँ पे, यूरोप, तो ये रहा यूरोपीय वाला आंसर. थर्ड है, द नियंडरथल्स बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट कितना, तो 30,000 ईयर्स अगो. फोर्थ का क्या आंसर आएगा यहाँ पे, देखिए यूरोप, ये वाला आंसर यूरोप. फिफ्थ का क्या आएगा यहाँ पे, फिफ्थ का आएगा लैरिंग्स, ये वाला यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया. स्टूडेंट्स, आप ये नहीं देखोगे, ये वाला नहीं देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो दिया गया आंसर, डायरेक्ट आंसर दिया गया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि डायरेक्ट आंसर जो दिया गया है वो कैसा है, यहाँ पे अंडरलाइंड है, यहाँ पे अंडरलाइंड, यहाँ पे अंडरलाइंड, यहाँ पे, तो जो आंसर है वो अंडरलाइंड है और क्वेश्चन आप देख ही सकते हो. ठीक है, यहाँ पे देखिए वापस से क्वेश्चंस क्या है आपका,
फिलिंग द ब्लैंक से बहुत सारे हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे आ सकता है, इसके लिए इतना सारा दिया गया है। आप इसका क्वेश्चन देख सकते हो और आंसर भी देख सकते हो। यहाँ पे पहले में कौन सा है ये आएगा, ठीक है, सेकंड में क्या आएगा ये आएगा, थर्ड में आएगा आपका जेनेटिक्स ये वाला, फोर्थ में आपका आएगा कल्टीवेटिंग लैंड, फिफ्थ में होमो सेपियंस सेपियंस ये वाला। सबका आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है, जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सब अंडरलाइन है, सबका आंसर यहाँ पे है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, रीड द क्लूज गिवन बिलो एंड गिवन द वर्ड्स हिडन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए होमो हैबिलिस, ये आपके बुक में दिया गया होगा तो आप देख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके वर्कबुक में पहले लिखते जाइए, ठीक है। क्लूज ये सारे मिल गए जो वहाँ पे थे, ये देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, तो यहाँ पे क्या मिला है हमें, जैसे देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस इसमें से मिला। तो होमो इरेक्टस यहाँ पे आपने क्या लिखा, वर्ड मिला हमें। क्लूज क्या है, ऐसे ह्यूमंस जो सीधे खड़े होते थे, वो जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रंट, ठीक है, ग्रंट हमें मिला यहाँ से, ग्रंट हमें मिला है ये वाला GRUNT। तो अब ये ग्रंट से क्या, यहाँ पे क्या है, एक साउंड है जो नियंडरथल्स आवाज़ निकालते थे। अब होमो हैबिलिस हमें मिला है यहाँ से, देखिए होमो हैबिलिस ये वाला हमें मिला यहाँ पे, उसका क्या लिखा है यहाँ पे, ह्यूमन हु यूज़ देयर हैंड्स, ऐसे लोग जो हैंड यूज़ करने लगे थे अपना। उसके बाद ग्रेन, फ्लैक्स, फायर, केनिया, रोस्ट, हैंड एग्स, ये सब हमें यहाँ से मिला है, जैसे हैंड एग्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिला है रोस्ट, ग्रेन, और क्या मिला यहाँ पे हमें मिला, जैसे फायर, फ्लैक्स, फीट, केनिया, ये सारे हमें मिले यहाँ पे। तो यहाँ पे सबका लिखा गया है जो क्लूज़ में है, क्लूज़ में ये आप देख सकते हो क्या क्लू है, वो देख सकते हो, ये देख लिया आपने। उसके नीचे भी यहाँ पे है 10, 11, 12, 13, ये भी। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना है इंसान किस तरीके से आया, ठीक है, पहले क्या फिर क्या, नियंडरथल मैन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये जो आंसर है ये कैसा है, ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले क्या आया फिर क्या आया वो। तो पहले होमो हैबिलिस है, फिर इरेक्टस, फिर नियंडरथल मैन, फिर होमो सेपियंस, बाद में होमो सेपियंस सेपियंस लास्ट में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वन सेंटेंस। तो यहाँ देखिए लिखा गया, हु इज सेड टू हैव फर्स्ट मेड टूल्स लाइक अ हैंड एक्स। तो होमो इरेक्टस, ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस ने पहले, उन्होंने हैंड एक्स यूज़ किया। हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है कि जैसे दिखने में जो हेल्थ करेक्टरिस्टिक्स है, बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह, वो एक उनके एंसेस्टर से मिलते हैं। हु इज नोन एज द स्किल्ड ह्यूमन, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, फिफ्थ का भी आंसर देख लीजिए अच्छे से। होमो हैबिलिस क्या खाते थे वो दिया गया है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। नियंडरथल जो थे वो आग कैसे जलाते थे, तो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टिक को रबर करके, हार्डवुड को रबर करके, एक दूसरे को, ठीक है, रब करके, तो उन्हें स्पार्क्स मिलता था, चिंगारी निकलती थी, फिर उसी को लकड़ियाँ जो इकट्ठा करके उसी से जलाते थे। नियंडरथल्स मैंस जो थे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते थे, तो वो ग्रंट करते थे, अजीब से साउंड निकालते थे, ठीक है, वैसे बात करते थे। हाउ वॉज इट एस्टिमेटेड दैट नियंडरथल बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 30,000 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया, कार्बन बेसिस के अकॉर्डिंग, C14 डेटिंग के अकॉर्डिंग, नियंडरथल्स 30,000 पहले गायब हो गए थे। बाय वॉट नेम आर होमो सेपियंस नोन इज यूरोप, तो आंसर दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे 10th का आंसर यहाँ पे है। इलेवन का भी आंसर देख सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे है,
ब्रीफ में आंसर लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमो हैबिलिस. तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट दिया गया है. राइट अबाउट द टूल्स ऑफ द नीदरथल मैन. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया गया, आप देख पा रहे हो. हाउ डू नीदरथल बरी देयर डेड. वो अपने जो लोग डेथ जिनकी हो जाती थी कैसे उन्हें दफनाते थे वो दिया गया है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट दिया गया है. उसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखिए. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड मॉडर्न ह्यूमन बींग्स. तो उसका भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट दिया गया है. उसके बाद यहाँ पे देखिए गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे नीदरथल्स जो नीदरथल्स थे वो कैसे एक्सटिंक्ट हो गए, कैसे विलुप्त हो गए, उसका यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है. क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पे. सेकेंड है ह्यूमन बींग होमो सेपियंस कैन प्रोड्यूस सबटल एंड वेरी टाइप्स ऑफ साउंड. तो फर्स्ट सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है. थर्ड है होमो हैबिलिस वाज अ स्कैवेंजर. सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, देख सकते हैं. सेकेंड यहाँ पे है. तो स्कैवेंजर मतलब होमो हैबिलिस कैसे थे, जो एनिमल हंट करके खा जाते थे तो जो बचा हुआ रहता था वो ये खा लेते थे बचा हुआ, ठीक है. तो इसलिए वी कंक्लूड दैट होमो हैबिलिस वाज अ स्कैवेंजर. होमो इरेक्टस मैन कुड सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. सो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, एक ही पॉइंट है, आप देख सकते हो. फिफ्थ क्वेश्चन उसका आंसर. यहाँ पे सिक्स्थ का है. एट में यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट नोट्स. किस पे, होमो हैबिलिस पे. होमो हैबिलिस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है. यहाँ पे दूसरा है होमो इरेक्टस पे, थर्ड है नीदरथल मैन पे, फोर्थ है होमो सेपियंस पे. आप आंसर देख सकते हैं. होमो सेपियंस का यहाँ पे भी है. होमो सेपियंस सेपियंस लास्ट यहाँ पे है. उसके बाद ओपन एंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डू यू लाइक द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन. आजकल के जो मॉडर्न मैन उनके एंसेस्टर को आप क्यों पसंद करते हैं. तो यहाँ पे दिया गया है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज गिवन ओवर हियर. सो कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना. ओरल टेस्ट में यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, वो आप लेसन पढ़े हो तो आपको, या फिर इतने सारे क्वेश्चन हमने देखे ना उसी से रिलेटेड ये भी रहता है. वाई वॉज अर्ली मैन डिस्क्राइब्ड एज द स्किल्ड ह्यूमन. स्किल्ड ह्यूमन उन्हें क्यों बोला गया. हाउ डिड मैन लर्न अबाउट फायर. फायर जलाना कैसे सीखे. तो हमने देखा ना, तो रब करते थे पत्थर को, लकड़ी को रब करते थे, ठीक है, उससे जो स्पार्क निकलता था उससे वो करते थे. हाउ डिड मैन लर्न टू मेक फायर. तो कैसे उन्होंने सीखा जलाना वो यहाँ पे पूछा है. वाई डिड अर्ली मैन यूज़ लेदर क्लोदिंग. वो लेदर क्लोदिंग क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि उनके पास नहीं था, वो एनिमल को मारते थे और वही पहन लेते थे. वेन डिड लैंग्वेज इवॉल्व. लैंग्वेज कब आया तो हमें पता है, पहले वो ग्रंट करते थे, ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने इस तरह से बोलना स्टार्ट किया, वो हमने देखा इस लेसन में. नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे स्टोन एज, दैट इज स्टोन टूल्स, हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है. तो कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में. ओके.